हेलो, दिस इज डॉक्टर उपेंद्र कौर. वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स. अब जो है आज की वीडियो है ट्रांसवर्स ट्रांसफर जॉइंट का, जो सेकंड जॉइंट है कैल्केनियम क्यूबर्ट जॉइंट, उसके बारे में आज की वीडियो है. अभी जो इससे पहली वीडियो थी टेलोनेविकुलर जॉइंट, अगर अभी तक वो आपने ना देखी हो तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो. तो आज जो है हम कैल्केनियम क्यूबर्ट जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट जो है, इसे मिड टार्सल जॉइंट और चौपाट जॉइंट भी बोलते हैं. इसमें दो जॉइंट आते हैं, एक टेलोनेविकुलर ये वाला और दूसरा जो है कैल्केनियो क्यूबर्ट ये वाला. ये एस शेप की फिगर बनाते हैं. अब सबसे पहले हमें आज पढ़ना है कैल्केनियम और क्यूबर्ट के बीच में जो जॉइंट बनता है वो. अब इसकी आर्टिकुलर सरफेस, सबसे पहले प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस है एंटीरियर कैल्केनियम, एंटीरियर कैल्केनियस, और डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ क्यूबर्ट बोन, क्यूबर्ट बोन का पोस्टीरियर पार्ट. तो ये उसकी आर्टिकुलर सरफेसेस है. अब ये जो सरफेसेस है रेसिप्रोकली कॉनकेव कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव कॉन्वेक्स है. तो दूसरा कि ये जो जॉइंट है इसका जॉइंट कैप्सूल एकदम अलग होता है. कैल्केनियो क्यूबर्ट जो जॉइंट है इसका खुद का जॉइंट कैप्सूल होता है. अब जो है इसमें लिगामेंट, सबसे पहले लेटरल बैंड ऑफ बाइफर्केट लिगामेंट. हमने लास्ट की वीडियो में भी देखा था टेलोनेविकुलर जॉइंट वाली वीडियो में बाइफर्केट लिगामेंट के बारे में, कि यहाँ पे एक बाइफर्केट लिगामेंट होता है, उसका एक मीडियल बैंड होता है और एक लेटरल बैंड होता है. तो ये जो उसका लेटरल बैंड है वो जो है इसमें एज अ लिगामेंट वर्क करता है, लेटरल बैंड ऑफ बाइफर्केट लिगामेंट. सेकेंड है डोर्सल कैल्केनियो क्यूबर्ट लिगामेंट और एक है प्लांटर कैल्केनियम क्यूबर्ट लिगामेंट. तो अगर ये कैल्केनियम क्यूबर्ट जॉइंट है यहाँ पे एक डोर्सली होगा, एक प्लांटर पे लिगामेंट ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड, और जो प्लांटर साइड पे होगा वहां पे दो प्लांटर लिगामेंट होते हैं, एक शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट और दूसरा लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट. तो यहाँ पे टोटल फोर लिगामेंट होते हैं. एक तो इसी तरह से याद रखना है डोर्सल प्लांटर शॉर्ट, फिर एक तो लॉन्ग प्लांटर शॉर्ट प्लांटर और एक डोर्सल लिगामेंट. सो तीन तो यही हो गए, डोर्सल कैल्केनियो क्यूबर्ट, शॉर्ट प्लांटर कैल्केनियो क्यूबर्ट, लॉन्ग प्लांटर कैल्केनियम क्यूबर्ट, उसके अलावा बाइफर्केट लिगामेंट का लेटरल बैंड. तो ये चार जो है लिगामेंट हो गए. सो अब नेक्स्ट है कि इन चारों में से ये जो लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट. Among these, the long plantar ligament is most important because it spans from calcaneum cuboid and then continue distally to the base of second, third and fourth metatarsal. क्योंकि ये जो long plantar ligament है वो calcaneum के नीचे से, cuboid के नीचे से और साथ में second, third, fourth जो metatarsal है वहां से पूरा नीचे से जाता है, कैल्केनियम क्यूबर्ट और ये जो तीन है सेकंड थर्ड फोर्थ मेटाटार्सल उसके नीचे से जाता है. सो इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट. तो ये जो ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट होते हैं नीचे से ये उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है. एंड द लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च ऑफ फुट, और दूसरा कि लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च ऑफ फुट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब इस जॉइंट के फंक्शन क्या होते हैं तो मैंने आगे एक वीडियो बनाई हुई है ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट के बारे में, उसमें बताया है कि इसके फंक्शंस क्या हैं और जो नॉर्मल पोजीशंस है, रेस्टिंग पोजीशन, क्लोज पैक पोजीशन, कैप्सुलर पैटर्न, वो सब वो वीडियो में बताया हुआ है. अगर अभी तक आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया होगा और ऊपर आई बटन पे जाके भी आप क्लिक कर सकते हैं, वहां पे जाके देख सकते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.